हेलो डिफेंस सर्विस, आप सभी का स्वागत है डिफेंस ज्ञान डॉट कॉम पर। और आज हम बात करेंगे जो वन मंथ अपनी स्ट्रेटेजी होती है किस एग्ज़ाम के लिए, एयरफोर्स एक्स। सिर्फ हम अभी एक्स पर फोकस करेंगे, एक्स का 120 का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला हमारा फोर्थ कमिंग, आई मीन 01-2020। इस एग्ज़ाम के बारे में ज़रा बात हो जाए। वन मंथ प्लान, जैसे कि मैं हर किसी से बोलता था, प्रिपरेशन का लास्ट जो वन मंथ है आपके प्रैक्टिस सेट्स के लिए होता है। प्रैक्टिस सेट कैसे, अब प्रैक्टिस सेट के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, जैसे मैं हर वीडियो में सजेस्ट करता हूँ कि बेटा ऑनलाइन मॉक टेस्ट ले लो या फिर कोई बुक ले लो, तो कमेंट्स आते रहते हैं कि सर ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे लूँ मैं, कि मेरे पास लैप ही नहीं है, मेरे पास फ़ोन है बट फ़ोन में क्या बोलते हैं एक्सेस नहीं हो पाता है। ये चीज़ बहुत सारे लोगों के पास प्रॉब्लम। बुक लूँ तो सर कौन सी पब्लिकेशन की ठीक रहेगी, किस में प्रैक्टिस सेट मेरे पास को रिलेटेड मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, ये सारी चीज़ें। ये डाउट्स क्लियर करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी सर्व किया हुआ। इसके बाद आफ्टर दैट हम लोग कंक्लूजन पे आए, हम लोगों ने देखा काफ़ी सारी बुक्स मिली है हमको, हम लोगों ने उनमें से एक आपके लिए जो बेस्ट बुक है वो हम लोगों ने लाया है। ये अग्रवाल पब्लिकेशंस की बुक है जो इनकी एग्ज़ाम कार्ड, देखिए ये इसका लोगो देख लीजिए आप, इसका फ्रंट जो लुक है वो आप देख सकते हैं, अग्रवाल पब्लिकेशंस की बुक है ये। आपको एग्ज़ाम कार्ड जो इनका ऐप है यहाँ पर मिल जाएगा, मैंने लिंक दी थी डिस्क्रिप्शन में, मैं मेंशन कर दिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब मेन चीज़ देखिए इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ, 20 प्रैक्टिस सेट्स हैं जो रियलिस्टिक लेवल के हैं, जो पिछली यानी 2000 में इसमें मेंशन किया 2018 एंड 19 के मॉडल पेपर्स इंक्लूड करके। वो रीज़न इसलिए कि हर जैसे 18 का एक पेपर हुआ था उसके दो हो गए, जो सेकंड पेपर हुआ था उसके दो हो गए, टोटल 8 पेपर आपको मॉडल सेट मिल जाएंगे प्लस 20 प्रैक्टिस सेट, टोटल 28 हो गए। इसीलिए मैंने आपसे बोला लास्ट वन मंथ में आपने 28 करने हैं। अब 28 तो हैं, इसको किस स्ट्रेटेजी से करना है वो चीज़ भी ज़रूरी है। देखिए अब बात करते हैं हम इसके आगे हमने करना क्या। बुक तो मैंने सजेस्ट कर ली बट 28 प्रैक्टिस सेट टोटल, दिन बचे हमारे पास वही एक महीने के आसपास 30 क्वेश्चन, हर दिन एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। उसके लिए टाइमर सेट हर किसी के लिए, मैं 25 क्वेश्चन कर रहा हूँ मैथ के, मैं 25 क्वेश्चन कर रहा हूँ फिजिक्स के, और मैं 20 क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई इंग्लिश के। मेरे को हर किसी में टाइम मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है। वो लोग यही कह रहे हैं कि भाई हाँ मुझे टाइम चाहिए। अब टाइम कितना, 20-20 मिनट्स के अकॉर्डिंग होता है। हर किसी में आपको कितना मिलता है, 20-20-20। बीच में आप गैप ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है आपको 20 मिनट एक सेट पकड़ी। इसीलिए मैंने इस बुक को आपको इसीलिए सजेस्ट किया क्योंकि इसकी जो रैंक रेटिंग है ना 4.7 है, इसीलिए आपके लिए हमने बेस्ट बुक वो किया है, रिकमेंड किया हुआ। अब देखिए 20 मिनट्स में आप कर देंगे 25 क्वेश्चन, इट ऑल डिपेंड्स। अब मॉडल पेपर्स हैं तो आपको, अगर आपने इससे पहले पेपर दिया तो आपको पता चल जाएगा हाँ यार ये क्वेश्चन तो आया था मेरे पे, इसीलिए आपको ये एकदम रियलिस्टिक लगेगा। सबसे अच्छी बात क्या है, अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। ये नहीं कि सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, ये अवेलेबिलिटी नहीं है, आप अपने पे आपके पास COD और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हो सकता है इसमें, और भी आपके पास डायरेक्ट शिपिंग हो जाएगी घर तक, तो घर तक आपके पास बढ़िया बुक मिलेगी एट द अफोर्डेबल प्राइस। इससे राय और क्या चाहिए आपको। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, डेली प्रैक्टिस करना बनता है। अगर डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखो 70 में से मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अगर सही ढंग से प्रैक्टिस सेट किया है और पढ़ा है और हमारे वीडियोस देखे प्रिपरेशन वाले उसी के अकॉर्डिंग चले हो ना बेटा, गारंटी देता हूँ 45 प्लस तो लाओगे तुम यहाँ पे। लेकिन अगर पहली बार देख रहे हो तो उसके बाद भी कोई टेंशन नहीं, प्रैक्टिस सेट इस लेवल पर होना चाहिए कि तैयारी आपकी कैसी भी हो, प्रैक्टिस सेट इसी लेवल पर करो। डेली मैं एक एक प्रैक्टिस सेट करूँ, कुछ भी हो जाए, भले तूफान आ रहा हो कुछ भी आ रहा हो, डेली एक तो करूँगा, उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन या कंपिलेशन बनना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।